चाहे गाय तस्करी हो, चाहे कोयला तस्करी हो, चाहे भर्ती घोटाला हो, अरबों खरबों रुपया बंगाल की जनता का इन्होंने खाया है। हर रोज दुर्गा का स्तवन कर रही है कि तीन कहीं भतीजे का नाम न बता दे। अवैध घुसपैठ चरम सीमा पर, बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। मित्रों, बंगाल को पूरे भारत के अंदर भ्रष्टाचार के कारण बदनाम करने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया। ज्योतिप्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल, पार्थ चटर्जी, चाहे गाय तस्करी हो, चाहे कोयला तस्करी हो, चाहे भर्ती घोटाला हो, अरबों खरबों रुपया बंगाल की जनता का इन्होंने खाया है। और मैं ममता बनर्जी को आज कहकर जाता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो ज्योतिप्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल और पार्थ चटर्जी को तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड कर दिखाइए, तो बंगाल की जनता मानेगी। वो नहीं कर सकती। हर रोज दुर्गा का स्तवन कर रही है कि तीन कहीं भतीजे का नाम न बता दे, भतीजे का नाम न बता दे। जो खुद मिले हुए हैं वो बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर सकते हैं। मित्रों, इतने सारे भ्रष्टाचार हुए हैं कि संसद की पवित्रता को भी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने समाप्त कर दिया। भेंटे लेकर, सौगादे लेकर सवाल पूछने वाले सांसद और वो पार्टी बंगाल और भारत का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? भाई और बहनों, अवैध घुसपैठ चरम सीमा पर। आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी, आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। उनको अपने अधिकार से कोई वंचित कहीं नहीं कर सकता।